दोस्तों आप सभी ने इंस्टाग्राम पर इस प्रकार की जो स्टोरी है वो देखी होगी, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है आपके नाम का फर्स्ट लेटर टाइप करके फर्स्ट सॉन्ग को प्ले कीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रकार की जो स्टोरी है इसको आप खुद कैसे यूज कर सकते हैं, आपको इसके अंदर किस प्रकार से फर्स्ट लेटर टाइप करके फर्स्ट सॉन्ग को किस प्रकार से प्ले करना है, और यदि आप किसी और की जो स्टोरी है इसको आप यूज करना चाहते हैं, मतलब उनकी जो स्टोरी है उसको लेकर आप इस प्रकार की जो स्टोरी अपलोड करना चाहते हैं तो कैसे अपलोड कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने भी इस प्रकार की जो स्टोरी अपलोड की है तो यहाँ पे मुझे व्यू है वो काफ़ी अच्छे मिले। अब यदि मान लीजिए कि आप भी किसी की स्टोरी इस प्रकार से देखते हैं तो आपको उनकी जो स्टोरी है वो कैसे यूज करनी है, तो सबसे पहले आप जब भी उनकी स्टोरी देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप किसी और की इस प्रकार की स्टोरी देखना चाहते तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप भी इस प्रकार की जो स्टोरी है वो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड योर्स का जो ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जो भी फ़ोटो यहाँ पे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये फ़ोटो लेना चाहता हूँ तो ये मैंने लिया, और इसको इस प्रकार से आपको यहाँ पे जिस प्रकार से शेयर करना चाहते उस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है आपके नाम का फर्स्ट लेटर टाइप करके फर्स्ट सॉन्ग को प्ले कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो स्टिकर यहाँ पे आपको मिलता है आपको इस स्टिकर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सॉन्ग मतलब म्यूजिक के अंदर जाना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको सॉन्ग मिलता है आपको डायरेक्ट उसको लेके और उसके बाद आपको इस प्रकार से इसको रख लेना है, जिससे कि आप अपनी जो स्टोरी है उसके बाद अपलोड करना चाहते तो यहाँ पे अपलोड कर सकते। तो इस प्रकार से आप स्टोरी को अपलोड कर सकते जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे व्यू मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी और की स्टोरी लेके आप अपनी खुद की एक स्टोरी अपलोड कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे व्यू मिलते हैं, साथ में इस प्रकार की जो स्टोरी है वो अपलोड करके आप उसके अंदर म्यूजिक ऐड करके अपनी स्टोरी अपलोड कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।